नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन बड़ी खबरों के साथ। मुरादाबाद जनपद के पूरे विश्व में पीतल नगरी के नाम से मशहूर है और हर साल करीब 2500 करोड़ का कारोबार यहां से होता है, लेकिन पिछले एक महीने से यहाँ के पीतल मजदूर खासा परेशान है। दरअसल NGT के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा इन पीतल मजदूरों का कारोबार बंद हो गया है। इस कारोबार से जुड़े पीतल मजदूर और उनके परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए हैं और आगामी होली का त्योहार ना मनाने की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा ई कचरे के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि ई कचरे का काम वो नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने इलाके में पोस्टर भी लगा दिए हैं कि यहाँ ई कचरे का काम नहीं होता है, फिर भी उनके पुश्तैनी काम को बंद कर दिया गया है। आज लोग घरों से बाहर निकले और प्रदर्शन किया। मनीष, अब की बार लोगों पर पैसा तो है नहीं, काम बंद हो चुका है, करीब एक महीना हो गया। क्या काम करते थे आप लोग? पीतल का मजदूर काम करते थे। अब क्या हुआ? अब की बार ये प्रशासन ने बंद करा दिया, आप ई कचरा चलाते हैं। इस चीज़ को मतलब नहीं। क्या करेंगे आप? हम सब लोगों ने जो निर्णय लिया गया है, आपकी बार होली नहीं मनाई जाएगी, ना सड़कों पर होली जलाई जाएगी।